मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं अलियाबाद अली नगर का रहने वाला हूँ। मेरे को डायरेक्ट से 10 साल से चल रहा है मेरा, और मैं दवा खाने जाने आने के लिए तकलीफ हो रही है। मैं चला नहीं सकता गाड़ी, मेरा आदमी डायलिसिस हाथ पे है। हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस होता है मेरा, और चलाने करने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। ये मशीन है, ये पट्टियाँ हैं, यहाँ से खून जाता है, यहाँ से खून निकलता। मैं बहुत परेशान हूँ, चला नहीं आता गाड़ी मेरे को। मैं जो तकलीफ से जाता हूँ, तकलीफ से जाता हूँ, ऑटो से जाना पड़ता है मेरे को। उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और मेरे माशी हालत बहुत कमज़ोर है। ये बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा ये है, और 2 बच्चे मेरे बड़े है, स्कूल है, ये बच्चे को पढ़ाकर चाह रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, खाने खाने में बहुत परेशान हूँ मैं। आप लोग की मदद की ज़रूरत है, आप लोग जो भी लेना है तो दे सकते हैं आप लोग। मेरे जरिया कोई नहीं है खाने पीने के लिए। मेरा बच्चा ये बड़ा है, ये 6 है, 2 बच्चियाँ मेरे बड़े हैं। खाने पीने के लिए कोई जरिया नहीं है। कमाने वाला मैच और करने करने वाला मैच, मैं खुद 10 साल से पढ़ा हूँ। जैसे घर के हालात बहुत बहुत संगीन है। खाने खाने को परेशान हूँ मैं। सुबह खा शाम को नहीं है, शाम खा सुबह को नहीं है। आप लोग जो भी करना है मदद कर सकते हैं। बोलो। मैं अमरुद्दौला खालिद के पास आया मदद के लिए। मेरा छोटा मासूम बच्चा है, इसकी ख्याल करते हुए मेरी मदद करिए आप लोग। मैं अमरुद्दौला खालिद के पास आया। मैं